हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है नमक पारे, और बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी परात ली है, उसमें दो कटोरी मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा ऐड कर रही हूँ। एक कटोरी मैदा ऐड करूँगी, हाफ कटोरी सूजी ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ऐड की है, और एक चम्मच मैं यहाँ पे काली वाली पीसी हुई जो मिर्च पाउडर होता है उसे ऐड कर रही हूँ, और एक टेबलस्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला के मैं इस तरह से थोड़ा आटे को साइड कर लूँगी, और इसमें मैं 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालूँगी। इससे हमारे जो नमक पारे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंची होंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होंगे। इसे आप इस तरह से तेल डाल के अच्छे से आटे को मसलते हुए इस तरह से आटे को मसलते रहें, जब तक कि आपका आटा जो है मुट्ठी में बंधने न लग जाए तब तक आपको मसलना है। यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़े से तेल की और एक वायर है, तो मैं 2 टेबलस्पून यहाँ और ऑयल ऐड करूँगी, और इसे फिर से अच्छे से आटे में मिक्स करूँगी, और इस तरह से आपको आटे को मलते रहना है। और जब तक आपका आटा ना बंध जाए मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपका जो आटा है बंधना चालू हो जाए, तो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी ऐड करके इसे गूंदना है। हमें पूरी जिस तरह से हम पूरी के आटे को गूंदते हैं उसी तरह से इसे बनाना है, लेकिन थोड़ा और इससे टाइट होना चाहिए हमारा आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो आपका जो आटा वो पतला हो जाएगा और आपके जो नमक पारे हैं वो क्रंची और टेस्टी नहीं बनेंगे। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और आटे को गूंदते रहें। और ये गाइस, सारा जितना भी हमने ये रेडी किया है, सारा इंग्रेडिएंट्स हमें घर में ही मिल गए हैं, कुछ भी हमने बाहर से नहीं लाए हैं। और आपको इस तरह से आटे को मलते रहना है, 10 मिनट तक आपको इस तरह से आटे को मलना है, और उसके बाद आप आटे को साइड में रख के उसके ऊपर कोई भी सूती कपड़ा डाल के ढक दें, और उसे 10 से 15 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दें और साइड में रख दें। अब 15 मिनट्स हो गए गाइस, अब मैं आटे की एकदम इक्वल साइज़ की लोइयाँ बना लूँगी। पहले आप इस तरह से इक्वल साइज़ की लोई बना लें, उसके बाद जिस तरह हम पेड़े करते हैं रोटी बनाने के लिए, उसके बाद आप उसे गोल एकदम शेप में पेड़े जैसे बना लेने हैं। और एकदम जितने भी आपने आटे के लोइयाँ बनाई हैं सब इक्वल साइज़ में होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने सारी रेडी कर ली हैं बना के, आपको भी इस तरह से रेडी कर लेनी है। और एक चकले पे आपने थोड़ा सा रिफाइंड तेल लगाना है, इससे जो हमारा आटा है वो चिपकेगा नहीं। और एक लोई लेके मैं इस पर आपको बेल के दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से आपको बेल लेनी है, और आपको साइड साइड जो उसके कोने होते हैं वो काफ़ी पतले रखने हैं, मोटे नहीं रखने हैं, नहीं तो आपके जो नमक पारे हैं वो सॉफ्ट बनेंगे, क्रंची नहीं बनेंगे। पूरे अच्छे से बेल के इसे इस तरह से कोने भी इसके पतले करने हैं। मेन ध्यान आपने इसके किनारों में देना है कि हमें रोटी के जिस तरह कोने होते हैं उसे पतले कर लेने हैं। उसके बाद एक तीखा चाकू ले लेना है, और इस तरह से आपने इस शेप में काट लेने हैं। अगर आपको कोई और शेप बनानी है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी बना के शेप में काट सकते हैं। पहले मैं स्ट्रेट लाइन में काट रही हूँ, उसके बाद ये देखिए साइड में इस तरह से आप काट के नमक पारे रेडी कर लें, और एक प्लेट में इसे निकाल लें। और ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि शायद चिपक जाएंगे। ये जब आप तेल में डालोगे ना, गरम तेल में, तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और चिपकेंगे नहीं। आप उसकी चिंता नहीं करना कि शायद हमारे नमक पर चिप जाएंगे और बेकार लगेंगे, नहीं। देखिए, मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में गरम करेंगे, तेल को गरम करेंगे। तो यहाँ पे जो हम तेल यूज़ करें वो हम रिफाइन तेल यूज़ करेंगे, सरसों का तेल आप ना यूज़ करें। रिफाइन तेल को इसमें डालें, और थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में डालें, क्योंकि हमें जो हमारे नमक पारे हैं वो अच्छे से फ्राई करने हैं, लाइट ब्राउन करने हैं। और देखिए, तेल मेरा पूरा अच्छे से गर्म हो गया है। यह मैं थोड़े से नमक पारे इसमें डालूँगी, थोड़े थोड़े करके ही डालने हैं, ज़्यादा करके ना डालें, नहीं तो आपके जो नमक पारे हैं वो आधे कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से देखिए हिलाते रहना है साथ साथ में, और थोड़ी देर बाद देखिएगा ये अपने गोल्डन ब्राउन होने चालू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं नमक पारे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसे थोड़ा समय और फ्राई करूंगी कि थोड़े क्रंची बने, तो इसे और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं।
और ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसे एक छन्नी से निकाल लूँगी, देखिए इस तरह से कितने अच्छे लग रहे हैं एकदम ब्राउन। आप इसी तरह से इसे निकाल के साइड रख लें और सेम प्रोसेस से आपको दूसरी बार भी आपको इसी तरह से नमक पारे फ्राई कर लेने हैं। और देखिए अभी चिपके हुए लग रहे हैं, लेकिन आप जब तेल में डालोगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें कि हमारे नमक पारे कहीं चिपक जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। देखिए ये भी कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसे भी निकाल के साइड कर लूँगी। सेम प्रोसेस से आपको सारे नमक पारों को फ्राई कर लेना है, और जब ये ठंडे हो जाएंगे ये खुद ब खुद बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। आपके बच्चे अगर कुरकुरे चिप्स की जिद करें तो आप ये वाले उन्हें दें, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इस प्रोसेस से आप पूरे अपने नमक पारे बना के रेडी कर ले। ये देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।